नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं बातचीत करने के लिए आज मैं उन युवाओं के बीच में पहुंचा हूं जो कि खास तौर पर पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। वैसे तो उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, और आज इस वक्त में, इस दौर में हम जैसे युवा जो है अपने ही चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, क्या पाना है। हम इसी पर ज़्यादा उलझे हुए हैं, खोए हुए हैं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या अपना जीवन ही सब कुछ है? इससे परे जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने जीवन से परे बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं, शहर के बारे में सोचते हैं, जल जंगल जीवन के बारे में सोचते हैं, जीव जंतु के बारे में सोचते हैं। आखिर वो क्यों जो है धन को छोड़कर जन के पीछे चल रहे हैं? आज इसे समझेंगे। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में हसदेव का मसला भी चल रहा है, तो बातचीत उस पर भी होगी। लेकिन बातचीत की शुरुआत करते हैं आस्था से। आस्था जो कि रायपुर एवेंजर से जुड़ी हुई है, पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि इस नाम के पीछे जो है क्या कहानी है, क्या जुड़ाव है, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का कोई नाम देना चाहिए और उससे युवाओं को जोड़ना चाहिए? जी नमस्कार, मेरा नाम आस्था है, मैं अमानत फाउंडेशन से हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ सभी अलग अलग संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं। आपने हाल ही में मूवी देखी होगी एवेंजर्स के नाम से, जो मूवी चलती है हॉलीवुड में, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी एवेंजर्स है वो अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो हम जैसे हमारी संस्था, यहाँ लगभग 30 संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना सबको जोड़कर एक ऐसी टीम बनाई जाए जो एकजुट होकर बहुत सारे फील्डों में, बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा कार्य करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा नाम हमें एवेंजर्स लगा, क्योंकि आपको और जो आज की युवा है वो अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाएगी। इसमें हम बहुत से क्षेत्रों में, जैसे जनहित में, देश हित में, पशु पक्षियों के हित में और पर्यावरण में, बहुत से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पूरे जो हमारा रायपुर एवेंजर्स ग्रुप है, इसमें जॉब करने वाले लोग, स्टूडेंट्स, हम सारे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत से बिजनेस पीपल भी हैं। तो ऐसा मतलब आप देखेंगे हर तरीके से रंग बिरंगे लोग मिलकर यहाँ पर हमारी ये जो रायपुर एवेंजर्स का हमारा जो ग्रुप है उसे बनाया है हमने। जब सबके हित के बारे में सोचा जा रहा है, तो स्वयं के हित के बारे में क्या है? इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि शुरू से, जब से वेद शास्त्र रहे, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, बोला जाता है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, संतोष धन जो बोलते हैं, सबसे बड़ा धन होता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आप सभी का सहयोग मिलता है, हमें लोग सपोर्ट करते हैं, ये इसमें हमारी खुशी है। और बिल्कुल हम 5 मिनट 10 मिनट अगर दिन का देते हैं, अगर कुछ घंटे देते हैं हफ्ते का, तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारी प्रकृति को, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। शुरुआत कब से हुई? जैसा कि आप देखेंगे कि जो सारी संस्थाएं हैं सभी ने अपने अपने लेवल पे काम किया, लेकिन जो रायपुर एवेंजर्स है इसकी शुरुआत कोविड के टाइम पे हुई थी। जब कोविड का फर्स्ट और सेकंड जो वेव आया था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तब बहुत सी संस्थाएं अपने अपने लेवल पे काम कर रही थी, लेकिन जब थर्ड वेव आने वाला था उस वक्त हमने इस ग्रुप को बनाया ताकि सारी संस्थाएँ अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करती वो एकजुट होकर काम करें। और जैसे ही कोविड हमें लगा कि अब थोड़ा शांत हो रहा है, फिर हमने दूसरे जो मुद्दे होने चाहिए हमारी हमारे शहर में और हमारे आसपास जो भी जगह है, तो हमने उन मुद्दों को लेकर काम करना शुरू किया। तो समीर, अब ये बता दो मेरे को कि रायपुर और जहाँ जहाँ तुम लोगों ने काम किया है वहाँ का हाल क्या है? देखिए, जैसे कि आपको बताया, जैसे आस्था ने आपको बताया, हम सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो जल के लिए, जन के लिए हो, जीव के लिए हो, देश हित के लिए हो या प्रकृति के लिए हो। तो हमने हर क्षेत्रों में काम किया। अगर किसी मनुष्य की बात करें तो उसका एजुकेशन की हेल्प हो, या उसको मेडिकल की हेल्प हो, या छोटे बच्चे ऐसे जो अपने घर पे, उनका घर नहीं है, या ऐसे बुजुर्ग जिनका घर नहीं है, तो हम पहला प्रयास करते हैं कि हम उनको उनके घर भेजें। अगर उनको हम उनके घर नहीं भेज पाते किसी कारणों से, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था हम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके रास्ते में एक्सीडेंट हो गए हैं या वो खाने की स्थिति में नहीं है, उन तक खाना पहुंच। भाई जानना चाह रहा हूँ कि भाई रायपुर में क्या देख रहे हो तुम? रायपुर क्या बदल रहा है? क्या लोग वैसे हो रहे हैं, वैसे उस तरह से जागरूक हो रहे हैं जैसे तुम लोग काम कर रहे हो, या रायपुर में अभी भी
वो समस्या है जो समस्या सालों से बनी हुई है। देखिए रायपुर वगैरह पहले के कंपेयर में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बदलाव दिखेगा। जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर आई है और उसमें शासन या प्रशासन हमें उनकी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी फ्लैक्स के लिए, कहीं ना कहीं रायपुर सिटी फ्लैक्स सिटी बनने की ओर अग्रसर हो गई थी। अब जैसे रायपुर में चाहे रेलवे स्टेशन हो एयरपोर्ट में आप एंटर करेंगे आपको हर जगह फ्लैक्स 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 दिखेंगे। उससे दोनों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो मानव प्रजाति हो या पर्यावरण हो। मानव प्रजाति को इस प्रकार से नुकसान हो रहा है कि फ्लैक्स की साइज इतनी ओवर साइज है कि उसे एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, लोगों की दुर्घटनाएं हो रही है। और जब उस फ्लैक्स को निकाल के या तो पानी में डाला जाता है या रोड में फेंका जाता है, मिट्टी में मिलाया जाता है, तो उसके जो हानिकारक केमिकल्स हैं या फ्लैक्स से उससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जिसके लिए कल ही प्रशासन ने और सरकार ने मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रावधान लेकर के आए हैं और इसमें बहुत अच्छा खासा मोटा जुर्माना लग रहा है और इस पर कुछ कुछ नियम्स बन रहे हैं कि आप इसे इस तरीके से नहीं लगा सकते। तो हमें शासन प्रशासन की पूरी मदद मिलती है और यहाँ की संस्थाएं बहुत ही ज्यादा जागरूक हो चुकी है और सारे आगे आकर के मिल के काम करते हैं। चाहे तुम लोगों को क्या परेशानी आती है जब इस तरह के कामों के लिए निकलते हो, कहीं पे मुहिम चलाते हो, तो वहां पे तुम लोगों के सामने दिक्कतें क्या रहती, चुनौतियां क्या रहती? आसान तो है नहीं किसी को जागरूक कर लेना। अगर आप बोलोगे अरे भाई चल वहां पे चलना है तो वो बहुत मुश्किल से तैयार होगा, थोड़ी बहुत रुचि है तो चला जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, हमने रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को साफ किया था जहाँ पर हमारे देश के जो जज होते हैं जो फैसले करते हैं और जो वहाँ पर अधिवक्ता होते हैं उनके जो कॉर्नर से उन चेयर से वहाँ बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ थूक की कम से कम आधी इंच की लेयर जमी हुई थी। हमने वहाँ जाकर के प्रयास किया, हमें वहाँ पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, हम साफ करें तो कचरा कहाँ फेंकी उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हमने वहाँ लोगों से कोऑर्डिनेट किया, हम उसे साफ तो कर दे लेकिन उसके बाद उसे कंटिन्यू साफ कौन रखेगा। हमने उसे गए हमारे साले वॉलंटियर्स ने अपने हाथ से उन थूकों को साफ किया, हमने उसे धोया और धोने के बाद जितनी जगह थी हमने उसे पेंट करके वॉल आर्ट किया और साथ ही साथ वहाँ पर हम लोगों ने वृक्ष लगा के उसे ग्रीन किया। और जब हम 10 दिन के बाद वहाँ गए, 15 दिन के बाद गए, वो जगह सेम वैसी थी और वहाँ आप देखिए किस तरह परिवर्तन आया। जो अधिवक्ता पहले यह करते थे, नोटरी वाले ये कहते थे अरे कोई मेंटेन नहीं कर, कोई मेंटेन नहीं करता, आज वही उस जगह को मेंटेन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अब हम यहाँ किसी को एक बूंद थूकने नहीं देते। क्या भाई आसिफ जो है तुम बताओ, तुम अपने बारे में बताओ क्या करते हो तुम? जी मेरा नाम शेख आसिफ है, मैं अमानत फाउंडेशन से हूँ और मैं अभी रविशंकर यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा हूँ और साथ साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ। करना क्या है आगे? फिर आगे मेरा यही है कि बिजनेस करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ, उसी से एक फॉर्म डालनी है जिससे मैं बिजनेस भी कर सकूँ। अच्छा। जी तो उसमें क्या मतलब रायपुर में रह के करना है, रायपुर बाहर जाना है, क्या सोच? रायपुर में रह के करना है, सारा काम रायपुर में ही कर रहे हैं तो ये भी रायपुर क्या में डिजाइन करेंगे? ज्यादातर ये होता है जैसे अभी कोशिश करते हैं रायपुर एवेंजर्स में जो भी ग्राफिक की नीड हो, कोशिश करता हूँ मैं जब फ्री हूँ तो उनको एक ग्राफिक कागज में उतारा जा रहा है, क्या शहर में उसको वैसे ही उतारा जा सकता है? कोशिश करा जा सकता है कि उसे हम उतना उतारे कि लोग उसे समझ सके कि हाँ ये हमारे पास की समस्या है, अब हम इसे पेपर में या किसी पोस्टर में देख रहे हैं, लोग हमें अपील कर रहे हैं। जो है अभी रायपुर को किस हाल में देखता है और आगे किस रूप में देखना चाहता है? रायपुर जैसा समीर भैया ने कहा कि पोस्टर और इन काफी समस्याओं से भरा हुआ है, पर ये समस्या है, ये समस्या है तो दूसरे शहरों में भी होंगे या मेट्रो सिटी है वहाँ पे बड़े शहर जो ज्यादा जागरूक लोग है, ज्यादा शिक्षित है, वहाँ भी होगी फिर। बिल्कुल, पर हम अपने शहर की बात कर रहे हैं तो हम अपने शहर की समस्याओं को सॉल्व शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, हम यहाँ की समस्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही है कि हम जो यहाँ की समस्या देख रहे हैं हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हम एक जगह पे इकट्ठा हों, उन्हें सॉल्व करें और लोगों को दिखाएं कि हाँ ये हम मिल के कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। मुस्कान बहुत देर से मुस्कुरा रही है तो थोड़ा उसके पास आते हैं। अरे आप क्या करती हैं? मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ इन CA फर्म। अच्छा, फिर कैसे इधर जुड़ गई, क्या लगा क्या करना चाहिए? मतलब बचपन से ही ये ख्याल था कि यार सेवा भाव के साथ ही आगे बढ़ना है। एक्चुअली मेरा पहले कैफ़े था जो अभी मैंने कोविड के बाद मतलब अभी क्लोज किया है रिसेंटली। वहाँ कैफ़े में भी हमने ये स्टार्ट किया था कि हम ट्रांसजेंडर ही एम्प्लॉय करेंगे, क्यों तो मतलब मेरे मन में शुरू से था कि कुछ करना है किसी के। बट एज कैफ़े क्लोज हुआ तब मैं फिर समीर भैया से थोड़ा कॉन्टेक्ट था कि सुन अगर तू इसमें भी हमारी हेल्प कर सकती है अगर तू चाहे तो। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे करना है, हेल्प करना है लोगों की। तो फिर मैं बस सर से जुड़ गई, समीर भैया लोग से और ग्रुप से। तो एवेंजर्स में मुझे हेल्प मिली, मतलब एवेंजर्स ने मेरी इस टाइप की हेल्प की कि हमारे पास मौके हैं अगर तुम्हें हेल्प करना है, और मुझे करना ही था लोगों की मदद, तो फिर हम जुड़ गए इनसे। लेकिन ये बताओ मेरे को शहर को लेकर के क्या सोचती हैं आप, जो है शहर में क्या बदलाव आप महसूस करती हैं? और दूसरी चीज़ अगर कोई सबसे बड़ी समस्या तुमको नज़र आती है तो वो क्या है जो है जिसका समाधान तुम देख रही हो? जैसे कि क्लीननेस,
स्वच्छ रायपुर स्वस्थ रायपुर वाला जो है बड़ा खूबसूरत सुबह सुबह गाना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली लेकिन सिर्फ गाना ही बसता है, कोई करता नहीं है ना क्लीन। लेकिन हम निकलते हैं, हम संडे को यूजुअली ऐसा होता है कि हर संडे ही भैया हमको पहले ही बता देते कि हमें आज इस जगह को क्लीन करना है वहाँ पे हमको, और सिर्फ हमको साफ करके नहीं छोड़ देते ताकि अगली बार कोई वहाँ कचरा करके चल जाए। हम वहाँ पौधे करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, वहाँ पे प्याऊघर जैसे हमने अभी अभी वहाँ का किया था, कलेक्टोरेट के सामने वाला जो स्पेस है स्काई वॉक के पास में, वहाँ पे हमने प्याऊघर किया, वॉल आर्ट किया, और वहाँ पे जीव जंतु के लिए भी हमने पानी प्याऊ रखा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को खुद में ही शर्म आती है कि यार इतनी साफ जगह इसको गंदा कैसे करें, तो एक वो हमने अवेयर किया। प्लस फ्लेक्स का जैसे समीर भैया बता रहे थे कि फ्लेक्स के लिए हमने जो जागरूक किया तो उससे जागरूकता ऐसी हो रही कि शासन का ध्यान इस तरफ आ रहा है जिसको वो ओवरलुक कर रहे थे। तुम घर वाले तुमको बोले नहीं कि ये सब क्या कर रही हो, जो है जाके ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अच्छी नौकरी चाकरी कर लो? नहीं नहीं नहीं, उन्हें पहले से ही पता था कि इसका ध्यान उसी तरफ ज्यादा है। घर वाले साथ देते हैं, वो कभी आते हैं साथ में? हाँ मतलब आते तो नहीं है क्योंकि सब तुम ही देखो, रहते नहीं है इसलिए आते नहीं है, आउट ऑफ रायपुर है, बट ऐसा है कि फुल सपोर्ट रहता है। कुछ तस्वीर वगैरह भेजते हैं, देखो बेटा मैंने भी पेड़ लगा दिए। हाँ ये जरूर करते हैं, जैसे गौशाला वगैरह है, मम्मा वृंदावन से बिलोंग करती हैं, तो वो जब भी पेड़ पौधे अपनी बाड़ी में लगाएंगी तो फिर बोलती है देखो आज दो फूल उगा दिया हमने। तो मतलब ये है कि उनमें अवेयरनेस है, मम्मा जैसे सामने भी जितना भी है, तो अगर काम वाली अगर कभी बाय चांस कचरा फेंक दे बाहर तो वो उन्हें चिल्लाती कि अभी वो निकलेगी तो तुम्हें चिल्लाएगी ये नहीं करना है तुम्हें। तो इट्स लाइक कि घर में अवेयरनेस है और घर से फुल सपोर्ट है। आइए जी, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, तो प्राण है अभी कि नहीं है? हाँ है ना, और हम सबके प्राण बचा के भी रहेंगे, बचा के रहेंगे। हाँ लेकिन यहाँ तो पेड़ ही नहीं बच रहे हैं। हम लगाएंगे ना, और हमारे साथ 10 लोग जुड़ के भी लगाएंगे। लेकिन काटने वाले भी उतने ही लोग हैं, उनको हम चैलेंज दे रहे हैं ना, काट के बताओ, आप जितना काटोगे उसका डबल हम लगा के दिखाएंगे। और आपने दिखाया ऐसा कर? हाँ दिखाए ना, अभी आप देख लीजिए जैसे ये दिन शहर का तापमान देखिए हर साल बढ़ते जा रहा है। हाँ। कम तो हुआ नहीं है। हाँ तो वही तो है ना कि मतलब लोग मतलब जैसे हमारी गवर्नमेंट है या कोई भी है वो लोग परमिशन देती जा रही कि काटते जाओ और कोयला निकालते जाओ। अरे कोयले से, अरे तुमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है तो किसी और तरीके से जनरेट करो, पेड़ क्यों काटो? जरूरी नहीं है क्या? देखिए ऊर्जा तो बहुत जरूरी है, बिना बिजली के हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो 24 घंटे जरूरी तो नहीं है ना, कभी बाहर निकल के देखो, कोई देसी में रहना नहीं चाहता सबको एसी नहीं है? नहीं क्यों जरूरी है? अरे तुम बाहर निकल के देखो, गांव के लोग रहते नहीं है क्या? जिंदा है ना गांव के लोग भी, तो कैसे रहे? शहर को गांव बना दें। हाँ चलेगा, वहाँ की लाइफ कितनी अच्छी रहती है। अच्छी रहती है तो देखो, कभी लगा नहीं रायपुर छोड़ के फिर गाँव? हाँ मेरे को तो बहुत शौक है, कोई लेके चले तो हम भी चल के देखे। मिल नहीं रहा है जो है, अभी हाँ। उनकी शादी गांव में कराते हैं। हाँ चलेगा चलेगा, मैं सबको बुलाऊंगी आप लोग को। और राहुल से मिलते हैं जरा जो है। राहुल ये जो है तुमने यार ठीक ठाक जो है ये बताओ तुम कहाँ इधर पड़ गए जो है एवेंजर्स के चक्कर में? मैं मेरा खुद का एनजीओ है आभास सामाजिक संस्था के नाम से। अच्छा। और मैं एक मिनट रुकिए, आभास में क्या आभास कर लिया तुम? मतलब हम तो हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं। हाँ। चाहे बच्चों के हो, चाहे महिलाओं के हैं, चाहे जो भी ऐसे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ। उसमें हम लोगों को मदद करना चाहते हैं। अच्छा, फिट किसे माना जाए, आपको या मेरे को? अपनी अपनी जगह दोनों फिट है। अपनी अपनी जगह दोनों फिट है। खुश रहने के लिए जो है ना, खुश रहने के लिए फिट रहना जरूरी है कि हम, क्योंकि हम अभी यदि हम फिट नहीं रहेंगे तो आफ्टर 40 कि हमको जो बीमारियां होती है। रायपुर शहर की फिटनेस पर आपका क्या क्या कहना है, क्या राय है? मतलब देखिए प्रदूषण की बात आती है तो रायपुर का जिक्र होता है कि बहुत प्रदूषित शहर है। पर्यावरण में जो है पेड़ पौधों के लेकर के बात आती है तो कहते हैं कि रायपुर का तापमान काफ़ी बढ़ रहा है, बहुत पेड़ जो है कट गए हैं और वैसे वृक्षारोपण हुआ नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी मानते हैं कि पानी का संकट जो है रायपुर में काफ़ी गहराते जा रहा है, तालाब जो है बहुत सारे जो है वो पड़ गए हैं, खारून की स्थिति तो पता ही है। तो ये चीज़ें क्यों है, रायपुर क्यों फिट नहीं हो पा रहा है? जैसा कि हम देखते हैं पिछले जब कोविड का समय था, जब पूरे मतलब पूरा शहर सो रहा था या पूरा शहर घर के अंदर था, तब हम देखते थे कि बहुत अच्छा ना पॉल्यूशन था, ना हमारे तालाबें गंदी हो रही थी, ना मतलब हमारा जो वेदर है बहुत अच्छा था। तो हमको उसी को मेंटेन करना है। और आफ्टर कोविड बहुत लोग ऐसे रायपुर के बहुत जनता है जो जागरूक हुई है, चाहे वो संस्थाएँ हो, चाहे इंडिविजुअल आदमी हो, चाहे अधिकारी हो, बहुत सारे सब जागरूक हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही वेदर, वैसे ही मौसम हम हर साल हर समय रखें वहाँ पे। तो वो क्या है, उससे क्या है, हर चीज़ स्वस्थ रहेगा और
अच्छा रहेगा। तो जैसे तुम्हारा काम क्या है और? मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी करते हैं या सीमेंट करते हैं? सब मिट्टी सीमेंट दोनों करते हैं। तो बताए नहीं सारे लोगों को जो आपके करवाते होंगे, बोले भैया मिट्टी में काम करवाइए ये काम आएगा, ये देखिए तापमान बढ़ रहा है कौन? जैसा बिल्डर्स को जरूरत रहता है, जैसा आज अभी जो जो चल रहा है मार्केट में, फिर मार्केट तुम्हारा चला जाएगा। मिट्टी का भी मार्केट आ रहा है, हम यदि हमको बोलेंगे तो हम मिट्टी से बना देंगे। यदि हमको जैसा हमको डिमांड जैसा रहेगा मिट्टी से बनाना, मिट्टी से जो है इको फ्रेंडली आजकल जो ये सब मकान हो भी रहा है बहुत सारा, मतलब जैसे बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली कर रहे हैं, मतलब अपने गार्डन में ऐसे पेड़ पौधे बहुत कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी जो लेने आते हैं या जो बोलते हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं उस प्रति की अपने आसपास के उसको अच्छे से साफ सुथरा रखो, पेड़ लगाओ। तो ऐसा बिल्डर भी बहुत सारा हर जगह ऐसा कर रहे हैं, तो मतलब सब एक्टिव हुए हैं अभी इसको लेके। अच्छा, आस्था जो है धूप में जो है उसकी आस्था ज्यादा है। मैं आ रहा हूँ उसके पास, चौहान साहब के पास आते हैं जो है। आइए सर, इस तरफ आइए आप जो है। अच्छा, ये बताइए सर, आप इन बच्चों के साथ हैं या बच्चे आपके साथ हैं? बच्चों के ही साथ बच्चे बनना पड़ेगा, तभी कोई विकास होगा। वर्तमान में बदमाशियां दिख रही है मेरे को नहीं बड़ी है। मुझे इनकी बच्चों का जो जैसी पता चला, देखिए ये इंसान को किसी भी चीज़ को न्योता निमंत्रण के इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन नेता उसके बिना कहीं आते जाते नहीं है। नेता किसके वजह से जिंदा है? आज ये यूथ और हम लोगों की वजह से जिंदा है। जिस दिन यूथ और नेता को जगाने की आज जो प्रयास हो रहा है, आज यूथ बहुत काफ़ी जागरूक हो गया। मैं बच्चों का जैसे मुझे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मऊ घर में देख रहे हो, मोबाइल में मैसेज आए लगी कि कोनो पर्यावरण के बारे में और हसदेव के बारे में ये नगर निगम गार्डन में चर्चा कर ही मोर मन है नहीं मानिस में यहाँ पहुँच गया। अभी जिन मुद्दा है जिन देख के स्थिति है हसदेव के, सबसे बड़ी बात पीड़ा के जहाँ तक हसदेवा के बात में नहीं, पूरा जो आज विश्व स्तर पे चले थे और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। आज जिस चैलेंज को हमको सब मानव जाति इस जगत वासियों को एक्सेप्ट करना होगा यदि जगत में रहना है, तो विश्व जब ग्लोबिंग वार्मिंग पर्यावरण या जंगल जो कटने के जो बात आ रही है, जिस ऑक्सीजन से सीना दिल धड़कता है, जिस ऑक्सीजन की मारामारी हुई विश्व में, बता दिया कि आप बलवान नहीं हो प्रकृति से, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे करोड़पति चाहे अरबपति, ये कोविड कोरोना ने सबको अवगत करा दिया। फिर भी अंधाधुंध लोगों की मानसिकता जो धन उपार्जन की, अमीर बनने की, जो उद्योग चाहे जो भी सरकार हो या उद्योग हो, ये कल के बारे में नहीं सोच रहे, आज का सोच कर जो कर रहे विकास, ये विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। हसदेव रायपुर शहर में भी क्या आप इसी तरह का विनाश देखे हैं या देख रहे हैं? रायपुर के बात करूं तो बड़ा दुख होते कि मोर रायपुर में जो आज जल के स्रोत है, तभी पूरा ये रायपुर में आप चाहे कंकाली तालाब से बूढ़ा तालाब, कुकरी तालाब, पूरा तालाब स्रोत जो था जल ही जीवन है, आज किस जगह स्रोत चला गया है, सब व्यवस्थापन और अधिग्रहण करके। क्या इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये है कि आदमी जो मनुष्य है, मनुष्य हम अपने आप को भी मानते हैं इसमें दूसरे, ये जो पहले की जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, जो समाज की एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था को भूल कर आधुनिकता के आक्षेप में हम अपनी उन मूलभूत को खत्म करते जा रहे हैं। ये आधुनिकता की दौड़ जो चली है कंक्रीट की बिल्डिंगों की मारामारी और चार महल तहल, पहले एक कमरे में सामूहिक परिवार गुजारा करता था, आज ये जो बड़ी बड़ी इमारतें से, तो इससे जो हमारा अधिग्रहण हुआ है ये काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो रायपुर शहर का जिस दर से एक बहुत, मैं अभी तीन दिन पहले ये टिकरा पारा बुरिया खुर्द में जो है गजराज बांध, उसका बांध ही नाम था गजराज, तालाब था पर वो गजराज बांध के नाम से जाना जाता, जहाँ कि 200 साल पहले वहाँ 350 एकड़ में पानी का भराव होता था और सिंचाई होती थी, जहाँ की आसपास पीने का, आज की वर्तमान स्थिति में वो जो है 20-25 एकड़ में सिमट गया, जहाँ कमल बिहारी है बड़ी बड़ी वो हो गई है। बड़ा दुख होता है कि ऐसा जो कि आज केंद्र सरकार ने मानसरोवर तालाब की जो योजना चलाई है और जो जिले में कहा है कि 75 तालाब हर उसमें मनाए जाएं, जल स्रोत को बचाया जाए, मैं वही आपके माध्यम से G20 आपका जो News 24 के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जल और ऑक्सीजन रहेगा तभी जीव जंतु जिंदा रहेगा, नहीं तो कहीं कुछ नहीं, मरुस्थल की जाने की जरूरत नहीं, यहीं सब
धरा रह जाएगा। तो आज हमको प्रगति आपसे कुछ सुनना भी चाहूंगा जो वीडियो वायरल हुए हैं। मैं पहले इनके पास आता हूँ, नाम भूल गया मैं जी। प्रियंका उपाध्याय हमारा नाम जी। प्रियंका जी जो है आप हमेशा जो है मुझे अलग अलग मोर्चों में नजर आती हैं, जो है एक्टिव रहती हैं बड़ा, जो है कभी लगा नहीं कि जो है ये सब चीजें छोड़ के अपनी जो है करियर या बाकी चीजों में भागा जाए उस तरफ, जो है आप समय इधर ज्यादा देती हैं ऐसा है? समय दोनों जगह देना पड़ता है, और जैसे हम खुद को पर्यावरण प्रेमी कहते हैं तो पर्यावरण के प्रति हम अपना प्रेम भी दिखाएंगे, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। अभी देखिए देश भर में अलग अलग जो है युवा वो ज्ञान व्यापी पे चर्चा कर रहे हैं, और देखिए मैं यहाँ पे पर्यावरण पे चर्चा कर रहा हूँ आपसे। कभी लगा नहीं कि उस तरह के मुद्दे, उस तरह के विषयों पर जो है जाया जाए, उस पर डिबेट हो, उस पर बातचीत हो, आप लोग इसी पे क्यों जूझते रहे? सबसे बड़ा रितिक कुछ मुस्कुरा रहा है, उसी पे आऊंगा मैं। रितिक गुस्सा हो रहा है क्या? जी आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, प्रियंका से जरा बातचीत पूरी हो जाए। तो तुम जो है हसदेव पे जो है बहुत एक्टिव रही हो, और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ भी हसदेव के मोमेंट हुए वहाँ पे तुम्हारी उपस्थिति नजर आती है, क्यों लगता है कि हसदेव को बचाना जरूरी है? अगर हम हसदेव के लिए अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वहाँ पे लगभग 1000 लोगों के घर उजड़ जाएंगे, और अभी तो 300 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो 4.5 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं, तो हमें वहाँ पे पशु पक्षियों को भी नुकसान होगा और वहाँ के आदिवासियों के लिए भी। तो आदिवासी वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि चिपको आंदोलन कर रहे थे, तो वे लोग जागरूक होकर पेड़ों के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? हम तो पढ़े लिखे हैं, तो हमें भी आगे आना है, प्रकृति को बचाना है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। आजकल के लोग कूल बनने के चक्कर में, वहाँ ज्ञान भी एक अलग मुद्दा है, और इंडिया में बहुत टाइम पे बहुत सारे मुद्दे चलते रहते हैं, तो अगर कोई नेचर के लिए आवाज उठा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लिए चुप हो जाएगा। हमारे देश बहुत बड़े विविधताएं बहुत सारी हमारे देश में, तो हर एक आदमी कहीं ना कहीं आवाज उठाता है। मैं नेचर के लिए भी उठाता हूँ, किसी को कोई भी तकलीफ हो मैं आगे रहता हूँ, और ज्ञान भी मैं इंडिया की जो एडवेंचर भी है, एडवेंचर्स भी है, हर चीज है। इंसान को अपनी सोच को सिकुड़ना नहीं चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कुछ बड़ा जो है, खुलकर रहिए, अपने फैक्ट्स लॉजिक पढ़ना चाहिए, गूगल है, ट्विटर है, हर जगह सब सब चीज अवेलेबल है अपने पास। और ज्ञान वापी की जो आप टिप्पणी करते हैं, मतलब कमेंट पास पहुंच सकते हैं, तो मजाक जो भी आपका था वो आपको पता, हम समझ नहीं सकते आपकी क्या विचारधारा थी, बट वहाँ पे अलग मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे अलग मुद्दा चल रहा है। अब आपकी क्या राय है उस पर? उस पर वहाँ पर कोर्ट में चल रहे हैं, वहाँ पर ACI डिपार्टमेंट गया, तो वहाँ पर पूरी जांच भी चल रही है, तो उन लोगों को होने दो, वो भी एक विषय है। हाँ वो अपना विषय, अब यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर ज्ञान वो भी चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर मैं नेचर के खिलाफ कोई हंस दे कैसे करके हंसेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और यहाँ पर उसके लिए कोई हंसेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जरूरी क्या है देश के लिए? दोनों, हर चीज हर समय पर जरूरी रहती है, हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते, हम खाना खाए तो पानी जरूरी नहीं है, ये सब इलॉजिकल स्टेटमेंट देना आपको हमको अच्छा नहीं लगता है। दीपक भाई है, दीपक भाई जो कि सिविल इंजीनियर है, तो यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या सिविल इंजीनियरिंग में कि हम देखें मोहन जोदड़ो के समय जो है जो चीज़ें थी उस समय भी बढ़िया रहा होगा दौर, आज हम लोग देखते हैं कि बिना सीमेंट छड़ और इसके तो कोई बात ही नहीं होती है। जी अभी अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें मिट्टी से ना घर बनाने का फिर से एक डेवलप हो रहा है, हाँ कल्चर डेवलप हो रहा है, उसमें फिर से अपन मिट्टी से ही घर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 आगे आएगा, और हो सके कि आने वाले फ्यूचर में जैसे अपन सीमेंट से बहुत सीमेंट छड़ इससे ज़्यादा बना रहे हैं, हो सके फ्यूचर में वो मिट्टी से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए। ये क्या मानना है, एक बात ये होती है कि कॉन्क्रीट इतना हो रहा है कि उससे मतलब जो कि जल स्रोत जो है मतलब वो बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में, हमने कहीं भी मिट्टी के लिए जगह ही नहीं छोड़ा है शहर के भीतर में, ये स्थिति तुम देखते हो समझते हो ये है वास्तविक में? ये है वास्तविकता है ये, और इंसानों का नेचर ही ऐसा है कि वो बस अपने हित के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने लिए वो कहीं ना कहीं इस जल स्तर को कम करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि बस मकान बनाते जा रहे हैं। मैं एक चीज़ कहूँ तो वो जैसे आप देख रहे हो कि वो एक जंगल है, वृक्षों का जंगल है, और ये जो हम जहाँ खड़े हैं वो कंक्रीट का जंगल है, कंक्रीट का जंगल मीन्स हमारा एक शहर है, अगर आप कंक्रीट के जंगल को उखाड़ देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? वैसी अगर हम पर्यावरण पेड़ों के जंगल को उखाड़ देंगे तो वहाँ के लोग पशु पक्षी जीव जंतु कहाँ जाएंगे? और देवराज की क्या राय है? मुझे बचपन से ही पेड़ पौधों में लगाव था, इसलिए आज के दिनों में अभी ऐसा चल रहा है पेड़ उगने से ज़्यादा तत्र है, तो पर्यावरण उससे भी नुकसान हो रहा है, ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, पर्यावरण को बचाना है और पेड़ उगाना है। और आस्था जी आपने क्या तय किया है लॉ कंप्लीट करने के बाद?
लॉ करने कंप्लीट करने के बाद मैं लिटिगेशन में ही आगे जाना चाहती हूँ, डिफेंस लॉयर में ही प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। उसके बाद आगे कुछ समय के बाद मैं जज की तैयारी करूँगी। क्या जजमेंटल रहेगा तुम्हारा ये खास तौर पे पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण को लेकर आज अगर हम देख रहे हैं, आज तो हम लोग अगर गवर्नमेंट अगर उन लोग से कुछ लोग से उनका घर छीन ले रही है, पेड़ काट के एनिमल्स से उनका घर छीन ले रही है, उधर के जो लोग रहते हैं आदिवासी लोग से उनका घर छीन रही है, बट एक समय आएगा कि ये लोग ही उनके काम आएंगे। भूल तो नहीं जाएंगे आप जो है जज बनने के बाद उन लोगों को? नहीं, मैं क्यों तो जाएंगे उन लोग केस आपकी कोर्ट में? तो अगर न्याय अगर हमको दिलाना है तो हम सही तरीके से उनके साथ न्याय देंगे। और न्याय तुमको क्या लगता है किस रूप में होना चाहिए? न्याय सबके साथ इक्वली होना चाहिए ना, क्यों उन लोग को मींस बेचारों के साथ ऐसे करें, उन्होंने उनकी क्या गलती है? जैसे हम आप बात करने के लिए हमने पहले जगह खोजी, कौन सी जगह खोजी? पेड़ के नीचे। आज हम बात कर रहे हैं, आप एक बार का कैमरा घुमाएंगे आप देखिए लोग सिर्फ और सिर्फ पेड़ के नीचे दिखेंगे, कोई आपको शेड एरिया के नीचे नहीं दिखेगा। आज हमारी जिंदगी चल रही है वो इस पर्यावरण के कारण चल रही है, चाहे वो रायपुर की बात हो, चाहे हसदेव की बात हो, चाहे भारत देश की बात हो, या पूरी दुनिया की बात हो, चाहे बात कहीं की वो पर्यावरण संरक्षण, हमका पर्यावरण हम सबको संरक्षित करना होगा और इसी से हमारी जिंदगी है। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान द्वारा चलाया गया है और इसमें जो हमारे यहाँ पर यूथ मौजूद है ये बधाई के पात्र है कि युवा में जब जागता है, अंगड़ाई लेता है तो बदलाव आता है। तो हसदेव पर मैं एक नारा देकर आप लोगों का वो चाहूंगा जन समर्थन, आवाज से आवाज मिलाना है दोस्तों, हसदेव ला बचाना है दोस्तों, आवाज से आवाज मिलाना है दोस्तों, आवाज से आवाज मिलाना है दोस्तों, बचाना है दोस्तों, अब प्रकृति को बचाना है, आवाज से आवाज मिलाना है दोस्तों, बचाना है दोस्तों। ये आवाज सिलगेर बस्तर सरगुजा से लेकर चाहे दिल्ली राजहरा अंबिकापुर और जिस सचदेव के बात कही जा रही है तारादेव और फतेहपुर और सारे ग्रामीण जो 82-85 दिन से जुटे उनको हम बधाई देते हैं, यहाँ से धन्यवाद देते हैं कि वो तो आवाज से आवाज मिलाते रहिए और इसी तरह से आप युवाओं के साथ आते रहिए ताकि आपका जल भी रहे, आपका जीवन भी रहे, आपका जंगल भी रहे, आपका कल भी रहे। का हाल है में आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।